उत्तर प्रदेश की इत्र और ऐतिहासिक नगरी कन्नौज में दो पक्षों के बीच हुए पथराव ने 9 दिन की मासूम बच्ची की जान ले ली। बच्ची की मौत से परिवार गहरे सदमे में है। कन्नौज कोतवाली अंतर्गत रामपुर गांव में दो पक्षों के बीच गुरुवार की देर रात शराब के नशे में विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर पथराव होने लगा। इस पथराव का खामियाजा 9 दिन पहले जन्मी एक मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, जबकि उस मासूम और उसके परिवार का इस विवाद से कोई लेना देना ही नहीं था। बताया जा रहा है जिस वक्त पथराव हुआ बच्ची अपने घर में सो रही थी, तभी एक पत्थर आकर बच्ची को लगा और उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से माँ बाप समेत रिश्तेदार भी गहरे सदमे में हैं। बच्ची के मामा अरविंद बताते हैं कि नशे की हालत में लोग हमारी अटारी यानी छत पर चढ़ गए। हम लोग वहीं सो रहे थे, बच्ची के ईंटा डेला फेंक फेंक के मारा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या के आरोपियों ने घर वालों को दबाने की कोशिश भी की। इस विवाद से पूरे परिवार का कोई लेना देना ही नहीं था। क्या हुआ, क्या मामला यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर कुछ नहीं, बस नशे के ना मारे उन पर हमारे अटरिया पर चढ़ गए ना, हम लोग अटारी पर सोवर हम बच्ची के ना डीला ईंटा फेंक फेंक के पथरा मार दी। अभी तो तुम देख ही के आयो कोई के ना मारे बिटेबा के मारी और हम लोग कही तो उन पर ना पुलिस के सामने दबाव में कोशिश करें, जब ना दबे तो कहा था मैग लेके पकड़ते हो। अच्छा, जो बच्ची की मौत हुई है वो कितने दिनों की? वो 9 दिनों की। और उसको पोस्टमार्टम। अच्छा, लड़ाई किसकी किसकी थी? लड़ाई कौन नहीं भेरा ना सेवैया मारन का आए रहा 3 लोग। अच्छा, जिनकी बच्ची मरी उनसे कोई विवाद नहीं? आप बच्ची के कौन हो? मामा। कहाँ गई है बच्ची? बच्ची पोस्टमार्टम। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात एक शराबी व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा था, उसका विवाद उसके ही पड़ोसी से हो गया। विवाद के बाद उसने नशे की हालत में पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इसी पथराव में एक पत्थर 9 दिन की मासूम बच्ची को जा लगा, जो अपनी माँ के साथ घर के बीच बने आंगन में सो रही थी। पत्थर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कन्नौज पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पत्थर लगने से 9 दिन की मासूम बच्ची की मौत हुई है। मुख्य आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कल देर रात्रि का मामला है कन्नौज थाने का। एक शराबी व्यक्ति जो अपनी छत पर था और पड़ोसी से विवाद के बाद उसने नशे में ही पत्थर फेंक दिए और ये पत्थर दुर्भाग्यवश आंगन में सोई हुई एक नवजात शिशु को लग गया और जिससे नवजात शिशु की इसमें मृत्यु हो गई थी। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में जो आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 महीने पेट में रखने के बाद 9 दिन पहले बच्ची को जन्म देने वाली माँ का रो रो कर बुरा हाल है। नवजात बच्ची की दर्दनाक मौत से जहाँ परिवार में मातम है, तो वहीं इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी हड़कंप मचा हुआ है। गांव वालों में भारी आक्रोश की खबर है, जिसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।